तो हेलो गाइस, दिस इज डेविल आकाश वाइटी बैक विद अनदर वीडियो। तो अभी यार वीडियो आने में पता है टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि यार अभी टूर्नामेंट वगैरह चल रहा है ना, तो मैं टूर्नामेंट वगैरह खेलने में थोड़ा बिजी हूँ, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता यार वीडियो बनाने का। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बनाया करूँ, ठीक है। तो यार आप चैनल पर यार अगर आपने यार एक चीज़ और क्या कि यार बिंदु के पास पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन नहीं जा रही, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उन्होंने ऑल पे कर रखा है फिर भी नोटिफिकेशन नहीं जाती। पर अब देखो कुछ जुगाड़ करके यार एक बार देख लिया करो यार अपने अपने आप ही भाई, चैनल पर वीडियो अपलोडेड है या फिर नोटिफिकेशन आती है नहीं आती है, बताना मेरे को कमेंट करके। दूसरा चीज़ क्या है, अभी इस वीडियो में क्या दो टॉपिक के बारे में बात करूँगा, एक कि 60 से ऊपर कैसे फ्रेम रेट मिलेगा आपको, ठीक है, 90 FPS इनेबल करने के बाद, और दूसरा क्या चीज़ कि आपके फ़ोन में अगर टच इशू आ रहा है तो वो कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊँगा मैं, ठीक है। तो अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ पोको फ़ोन वालों के लिए नहीं है, सबके लिए है, ठीक है। MI का फ़ोन हो चाहे कोई सा फ़ोन हो, अगर उन्होंने ओवर रूट कर रखा है फ़ोन को तो सबके लिए है, ठीक है। तो अभी क्या है कि सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं 90 FPS कैसे अनलॉक करना है, ठीक है। एक मैंने फ़ाइल दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, अनलॉक 60 FPS करके एक फ़ाइल होगी, उसे डाउनलोड करना है, ठीक है, गूगल ड्राइव से, यह सिंपल सा है, जाके डाउनलोड करना उसे। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, अगर आपका फ़ोन जैसे रूटेड है, रूटेड में ही काम करेगा, पहली बात तो ये, मैजिस्क में जाना, मैजिस्क में जाने के बाद मॉड्यूल्स में जाके वहाँ पे प्लस पे क्लिक करना, वहाँ से फाइल सेलेक्ट करके उसको फ्लैश कर देना मैजिस्क में से, ठीक है। और वहाँ से पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको, देखो 90 FPS मैंने अनलॉक कर रखा है और उसी के वजह से अनलॉक हुआ है, जो फाइल है ना वो मेन फाइल ही है। उसके बाद उसको फ्लैश करना है, फ्लैश करने के बाद रिबूट करना फ़ोन को, अपने फ़ोन को रिबूट करने के बाद पबजी चालू करना, वहाँ पे एक्सट्रीम तक का ही ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है, रुको जरा। उसके बाद एक्सट्रीम तक का ही ऑप्शन दिखाएगा, उसके बाद क्या करना है आपको ऊपर से स्वाइप करना अपना ये जो नोटिफिकेशन या फिर जो भी बोलते हो, तो वहाँ से आपको ना HDR स्टार्ट HDR वाला एक ऑप्शन आता है ना पबजी HDR एक्सट्रीम करके एक, ठीक है। तो मतलब HDR एक्सट्रीम में जो पबजी आपको चालू करनी है, चालू करने के बाद क्या करना है वहाँ पे, फिर उसके बाद चालू करने के बाद ना फिर लॉबी में जैसे आपका प्लेयर आ गया गेम काट दो, ठीक है, गेम काट दो। गेम काटने के बाद क्या करना है आपको, फिर दोबारा से आपको पबजी चालू करना है, इस बार नॉर्मल करना है, ठीक है। नॉर्मल आप पबजी जैसे चालू करोगे तो क्या होगा, वहाँ पे देखना कि ग्राफिक्स में जाके 90 FPS का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और ये परमानेंट रहेगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि कितने FPS मिलेगी आपके फ़ोन में आपको। लाइक मेरा फ़ोन है ना, मैंने इसको ओवरक्लॉक कर रखा है 65 Hz तक का, ठीक है। आपने जितना आपने ओवरक्लॉक कर रखा होगा अपने CPU डिस्प्ले को, लाइक जैसे कर्नल फ्लैशिंग के टाइम पे सेलेक्ट करते हैं हम 65 Hz या फिर 60 नॉर्मल 60 भी सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर 71 तक मैक्सिमम कर लेते हैं बंदे। तो लाइक जिसने 71 कर रखा है FPS, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही कर्नल में, क्योंकि DHG मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसी में ऐसा होगा नहीं, जैसे लॉरेंट कर्नल है, ठीक है, तो लॉरेंट कर्नल में भी आप जैसे 71 आपने कर रखा है सेलेक्ट, तो आपको 71 FPS मिलेगी, ठीक है। अब 71 FPS मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम जहाँ तक आपने अपना ओवरक्लॉक कर रखा होगा वहाँ तक आपको FPS मिलेगी। और 90 FPS का काम क्या है, वो जो आपने अनलॉक किया है, वो जो फाइल फ्लैश किया है, उसका काम ये था कि उसने आपका इसमें पबजी में 90 FPS तक का इनेबल कर दिया है, मतलब कि 60 से ऊपर तक का आपका फ़ोन जहाँ तक सपोर्ट करता है वहाँ तक के FPS आपको दे पबजी। और एक चीज़ और बताऊँ कि यार भाई ज़्यादा ना कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ा इसमें यार गेम में, मतलब आप सोच रहोगे ना एकदम रिकॉयल जीरो हो गया, उसके बाद भाई बंदों को एकदम जिगल विगल सब ट्रैक वगैरह कर लिया, गाड़ी से बंद उतारे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया यार। अभी मैंने शायद मेरे को इसलिए लग रहा है कि मैंने सिर्फ 5 FPS एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, तो इसलिए मेरे को शायद ऐसा लग रहा होगा। तो ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है, एकदम जैसे वन प्लस वगैरह है उसमें 90 FPS आता है तो उसमें फ़र्क दिखता है थोड़ा बहुत, इसमें यार कुछ घंटा फ़र्क नहीं दिखेगा आपको, तो वैसे फिर भी आप अगर करना चाहो तो कर लेना। दूसरा क्या है यार, टच इशू बहुत बंदे बोल रहे थे यार भाई टच इशू हो रहा है यार मेरे, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ कोरवस का वर्जन वाला, मतलब 5.0 चाहे 3.5, इसमें टच इशू हो रहा था। देखो दिक्कत पता है कहाँ आ रही है, दिक्कत यहीं पर आती है कि जब बंदे ओवरक्लॉक करते हैं ना, तो डिस्प्ले ओवरक्लॉक के टाइम पे यार वो टच में थोड़ी बहुत छिड़कानी तो होती है यार, ठीक है, तो उस वजह से टच इशू आता है। मतलब कि ये है कि अगर आप ओवरक्लॉक कर रहे हो, ठीक है, अपने डिस्प्ले को, जब कर्नल के फ्लैशिंग के टाइम पे आपने 65 चाहे 71 कुछ भी कर रखा है, तो भाई आपको टच इशू आएगा। मैं 65 पे यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को कभी कभी टच इशू दिख जाता है, ठीक है, पर क्या करें भाई, अब उतना देखना पड़ता है भाई, अब ओवरक्लॉक भी कर रखा है तो उतना देखना पड़ेगा। तो इसी वजह से कि जब आप ओवरक्लॉक अगर नहीं करोगे, ठीक है, अगर आपने कर्नल फ्लैश किया ओवरक्लॉक नहीं करा आपने, ठीक है, डिस्प्ले ओवरक्लॉक नहीं किया, तो टच इशू नहीं आएगा ना के बराबर। और अगे ही था यार, और भाई वीडियो यार भाई लाइक वाइक तुम करते नहीं हो यार, कमेंट करके बताया करो यार, ठीक है, अभी पहले वीडियोस चलती थी, अब वीडियो नहीं चल रही, ठीक है, तो ऐसा सैड वैड का कुछ सीन नहीं है, मगर फिर भी लाइक वगैरह कर दिया करो एंड यार शेयर करो और कमेंट करके बताओ यार, और क्या क्या टॉपिक पे क्या क्वेश्चन आपका क्या दिक्कत आ रही है वो भी बताना, ठीक है, कमेंट में मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी आप अगर बातचीत करना है आपको कुछ या फिर कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो, फॉलो कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सही रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।